खबर जनपद चमोली से है, जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि मतगणना का कार्य 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। एक ओर जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पीजी कॉलेज गोपेश्वर में होगी, तो वहीं दूसरी ओर मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना के रिजर्व सहित 17 मतगणना सुपरवाइजर, 18 मतगणना सहायक और 22 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इसी तरह पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 7 टेबल लगाई जाएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा और किसी को भी मतगणना परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। कल बद्रीनाथ विधानसभा उप निर्वाचन की मतगणना की तिथि निश्चित है। उसके क्रम में मतगणना केंद्र स्थापित किया जा चुका है। केंद्र पर सभी तैयारियां पूरी हैं। इसमें हमारा 14 टेबल पर ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। उसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 7 टेबल निर्धारित किए गए हैं। साथ में जो हमारे ई पोस्टल बैलेट आएंगे सर्विस वोटर्स के, उनके लिए भी 8 टेबल ऐसी हैं जिनके जो प्री काउंटिंग स्कैनिंग होती है पहले, इसके पश्चात पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, वो भी निर्धारित किए गए हैं। जो कैंडिडेट हैं और उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनके साथ एक बैठक करके उनको विस्तृत स्तर से सारी जो जानकारियां हैं वो दी जा चुकी हैं। उनके द्वारा उनके काउंटिंग एजेंट एआरओ टेबल और जो काउंटिंग टेबल होंगे उनके लिए नामित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक मीडिया रूम भी उन्हें स्थापित किया गया है, जिसमें हर राउंड के बाद सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ निश्चित की गई हैं, जैसे कि टेलीफोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसके अतिरिक्त एक कम्युनिकेशन रूम भी बनाया गया है कैंडिडेट्स को, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है कैंडिडेट्स को भी और सभी मतगणना कर्मी, सभी एजेंट्स को। तो एक ऐसा रूम बनाया गया है कि जहाँ पर बैठ के जो हमारे कैंडिडेट के एजेंट हैं वो फ़ोन पे बात करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। वहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी भी की गई है। उसके आगे कहीं पर भी जो मोबाइल फ़ोन ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है, उसके निश्चित निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो मतगणना केंद्र है उसकी 100 मीटर की परिधि में पेडेस्ट्रियन जोन हमने नामित किया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंदर निषेधाज्ञा भी उस क्रम में हमने पारित कर दी है। इसके अलावा पूरे परिसर पर शांति व्यवस्था के लिए एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और यही सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पूरी मतगणना की कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से और जो निर्वाचन आयोग द्वारा नियम निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार सुनिश्चित किए गए।